2.0 जब से आई है तब से नरेंद्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी कहीं ना कहीं उन दावों पर पुख्ता हो रही है जो चुनावों से पहले किए गए थे। चाहे वो घुसपैठियों को निकालने की बात हो तो NRC पर भी बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो है नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ, 311 जो वोट थे वो पक्ष में पड़े, और वो जो है पारित होने के बाद अब राज्यसभा में एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देखने को मिल रही थी। लेकिन जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जो है यहां पर धावा बोल दिया गया है, और सीधे तौर पर ये कहा गया है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें उसको जो है ये पुख्ता नहीं करती है, हिंदुस्तान के संविधान पर हमला करने वाला बिल है। क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर कांग्रेस का सीधे तौर पर ये भी एक पक्ष है, एक ये भी कहना है कि ये जो बिल है वो सीधे तौर पर मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम लोगों के लिए ये जो है बिल जो है वो कारगर नहीं है। और वहीं अन्य जो है अल्पसंख्यक जो है उनको जो है जो शरणार्थी थे अब उनको जो है देश का नागरिक माना जाएगा। कि किस ढंग से हम सेक्युलरिज्म की बुनियाद के माध्यम से इक्वलिटी को देखते बराबरता का सबूत है। आज कहीं ना कहीं राज्यों में अगर कहीं जगह पे प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है तो किसी ना किसी जगह पे इनसिक्योरिटी लोग फील कर रहे हैं, उन चीजों का विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को डरने की जरूरत नहीं है, हम जो है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं समझाना चाहते हैं, आप उनसे मत डरिए जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करें। भाषा वो खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं है कि इनकी कथनी और करनी में। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन लोगों के साथ वहाँ पर माइनॉरिटी लोगों के साथ धर्म उत्पीड़न हुई है उनके लिए ये बिल बनवाया गया। हर बार सिटीजनशिप एक्ट में यहाँ पे हुई है, हर बार चीजें देखते हैं, उसके एक नई चीज यहाँ पे थी। लेकिन जिस ढंग से इनकी मंशा यहाँ पे क्या है वो मंशा इस बिल के जरिए देखने को यहाँ पे मिलती है कि किसी ना किसी ढंग से जहाँ पे बराबरता समाज को बांटना चाहते हैं, ये बांटने की राजनीति का विरोध करने के लिए हम कांग्रेस कार्यकर्ता वचनबद्ध है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे और बराबरता के माध्यम से। सीधे तौर पर सवाल है कि कांग्रेस ने भी धर्म के नाम पर बंटवारा किया था 1947। देखिए भाई, ये एक दुष्प्रचार है, सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग और उसके साथ हिंदू महासभा उसका समर्थन करती थी। कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी का नारा हमने इसीलिए लगाया कि ये देश महात्मा गांधी है, यहाँ आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि ये सब धर्मों का देश है, यहाँ इसीलिए सेकुलर बुनियाद पे संविधान बना। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी और बराबरी की बात करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। वो आर्टिकल 15 में गारंटी है कि आप धर्म की, जाति की, नस्ल की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, वो जिन्ना साहब की डिमांड और जो हाउस ऑफ कॉमन्स का बिल था विभाजन का 1947 का, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो कांग्रेस में खाते में कैसे, इतिहास को जो जानकार लोग हैं वो समझते हैं, ये कांग्रेस ही थी जिसने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास रहे, ताकि ये देश डाइवर्सिटी में, अनेकता में एकता का नारा हमारा महात्मा गांधी और कांग्रेस का था, तो कांग्रेस ने कैसे उसका विभाजन किया। इसलिए यही गुमराह करने की साजिश है। हम कहते हैं वही बुनियादी सोच, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ ये बिल है, संविधान की रूह के खिलाफ ये बिल है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं आज सिंबॉलिक, क्योंकि आज 2 बजे राज्यसभा में ये पेश होना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी और तमाम वो जमातें ये सोचती हैं कि इससे एक राजनीति का रास्ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच करती है। जब आसाम और वहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करते थे तो वहाँ NRC 1600 करोड़ रुपया लगा करके NRC लगाया गया 16,000 करोड़, और उसकी रिजल्ट ये हुआ कि 19 लाख लोग जो NRC से बाहर हुए उसमें मैक्सिमम लोग तो हिंदू हैं, 19 लाख में मैक्सिमम तादाद हिंदू की है जो वहाँ पे शिनाख्त हुए गए, वहाँ एक ट्रबल थी, इसलिए अब दूसरा ये बिल लाया गया। और फिर आप 3 देशों की शिनाख्त करते हैं, श्रीलंका भी हमारा एक पड़ोसी देश है, वहाँ भी जो वहाँ के ओरिजिनल बसनीक हैं, वहाँ इंडिया के गए हुए जो तमिल हैं उनके साथ प्रताड़ित होता है। इसलिए ये एक राजनीतिक मंशा से ये कानून लाया गया है, इसका टारगेट कहीं हो रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें। शिवसेना के साथ आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि लोकसभा में पास होती है लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं। पार्टी की बात वो अपनी बात करेंगे। आपको बताया कि इस तरह से विपक्ष जो है अब हमलावर हो चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि देश महात्मा गांधी का देश है और महात्मा गांधी का भी जिक्र सदन में हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि नेशनल जो रजिस्टर कार्ड था 1935 में महात्मा गांधी ने वो फाड़ा था साउथ अफ्रीका में, और उसी की तरह मैं भी ये बिल फाड़ता हूँ, तो वो भी सदन के लिए कहीं ना कहीं एक अचंभे वाली बात थी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है
विरोध में इस कदर आगे कि उन्होंने बिल तक फाड़ दिया। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमारा देश जो है वो संविधान पर चलता है, सेकुलरिज्म की भाषा मानता है, यानी कि राजनीति से धर्म को दूर रखने की बात करता है और हम उसी के कहीं ना कहीं बातों पर चलते हैं। विचारधारा है जो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को अब वो खल रही है और देश का विभाजन जो एनडीए की सरकार कर रही है, ये दावा है कांग्रेस के तमाम नेताओं का जो जम्मू में विरोध दर्ज कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल का। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ।